सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल किंग ऑफ उर्दू और बेल आइकन पे क्लिक करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट आमिर शहजाद एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किंग ऑफ उर्दू। गाइस, आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट्सअप की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, वो ऐसी ट्रिक्स हैं जो कि आपको आपके व्हाट्सअप के अंदर तो नहीं मिलती, जैसा कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम किस तरह जो है वो चेक कर सकते हैं कि कौन कौन पर्सन ऑनलाइन है, या फिर उसके अलावा हम ये कैसे चेक कर सकते हैं कि किस किस पर्सन ने हमारी व्हाट्सएप की जो है वो डीपी चेक की है। अगर हम बात करते हैं अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप की, तो हमारे व्हाट्सएप के अंदर आपको इस तरह का कोई भी फीचर्स नहीं मिलता जिसमें आप लोगों को पता चल सके कि आपकी व्हाट्सएप की डीपी किसने देखी, उसके अलावा कौन कौन पर्सन ऑनलाइन है। और इस वीडियो में इसी के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप में अगर हम ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं तो हमें खुद उस व्हाट्सएप के अंदर ऑनलाइन आना पड़ता है। व्हाट्सएप के अंदर ऑनलाइन आके हम उसकी चैट को ओपन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो पर्सन ऑनलाइन है। बट इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए आपको आपके व्हाट्सएप को ओपन ही नहीं करना पड़ेगा, उसके बगैर ही आप लोग चेक कर पाएंगे कि कौन कौन पर्सन ऑनलाइन है। उसके अलावा ये भी चेक कर पाएंगे किस किस पर्सन ने आपकी व्हाट्सएप की डीपी विजिट की है या फिर देखी है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी। ऐप का जो लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो प्ले स्टोर से वो ऐप आपको नहीं मिलेगी। ऐप का जो नेम है वो है व्हाट्स बॉक्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या फिर आप लोग गूगल क्रोम से जाके सर्च कर सकते हैं व्हाट्स बॉक्स एपीके, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपल सा मेथड है, आप इसको ओपन करेंगे। जैसे ही आप लोग इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह के इसके फीचर हैं। यहाँ पे फन ग्रुप्स, उसके बाद ट्रेंडिंग स्टेटस, टिप्स एंड ट्रिक्स, उसके बाद सिक्योरिटी। तो सबसे पहले आपके पास जो ऑप्शन है वो है पावर फीचर्स का, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। पावर फीचर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पावर फीचर्स मिल जाती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ पे आपके पास सबसे पहला फीचर है स्टेटस डाउनलोडर का, यहाँ से आप स्टेटस डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग प्राइवेट रीड, किसी के भी मैसेज को आप रीड कर सकते हैं व्हाट्सएप में ऑनलाइन या ऑफलाइन किए बगैर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग किसी भी 30 सेकंड से अबव जो भी वीडियोस हैं उनको आप लोग कट करके अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे व्हाट्सएप स्माइली आपको मिल जाते हैं, उसके बाद आप लोगों को जो है यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल मिल जाता है, यहाँ से आप टेक्स्ट स्टाइल डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल में व्हाट्सएप में चैट कर सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्स क्लीनर मिल जाता है, जहाँ से आप लोग अपने व्हाट्सएप का जो है एक्स्ट्रा डाटा रेज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को और भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि ब्लैक चैट हो गया, ओपन चैट, और भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख लीजिएगा, टेक्स्ट स्पीडर, यूट्यूब टू स्टेटस, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और भी इसके अपडेटर, यूट्यूब में क्या क्या अपडेट आई है। बट हम बात करने वाले हैं कि आपकी व्हाट्सएप की प्रोफाइल पिक्चर कौन कौन देखते हैं और कौन कौन पर्सन ऑनलाइन है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास ये जो ऑप्शन है, सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है हु व्यूड माई प्रोफाइल बीटा, तो ये सिर्फ और सिर्फ बीटा वर्जन के लिए है। जिनके पास व्हाट्सएप बीटा होगा उन्हीं को पता चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों ने सिंपल व्हाट्सएप बीटा का भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता देता हूँ कि व्हाट्सएप बीटा क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन है हु व्यूड माई प्रोफाइल, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सिंपल से मेथड है ओके आई एग्री पे आप लोगों ने क्लिक कर देना। ये आपको वही चीजें बता रहा है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको बीटे के बारे में बताएगा, उसके बाद यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हु व्यू माई प्रोफाइल, तो यहाँ पे देखते हैं किस किस पर्सन ने मेरी प्रोफाइल पिक्चर देखी है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वो तमाम के तमाम पर्सन जिनके आपकी प्रोफाइल पिक्चर देखी है उनके नेम यहाँ पे शो हो चुके हैं। उसके अलावा आप लोगों के पास नेक्स्ट ऑप्शन है हु इज ऑनलाइन, और ये भी बीटा के लिए है, ठीक है। आप लोगों को बीटा टेस्टर होना जरूरी है, आपका व्हाट्सएप बीटा टेस्टर होना चाहिए, वो बता देता हूँ लास्ट में, ठीक है। हु व्यू इज ऑनलाइन, सॉरी हु इज ऑनलाइन, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके अलावा ठीक है यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन है ओके आई एग्री का, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग चेक कर सकेंगे कौन कौन पर्सन ऑनलाइन है, उसके बाद कितने मिनट्स ऑनलाइन रहा, ये तमाम की तमाम डिटेल्स यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, देख सकते हैं कितने ज्यादा लोग जो है वो ऑनलाइन है और कब वो लास्ट सीन उनका, हालांकि उन्होंने लास्ट सीन अपना ऑफ किया हुआ है, हाइड किया हुआ है, बट हमें यहाँ पे इस एप्लीकेशन में देखने को मिल जाता है। तो इस तरह जो है आप लोग इस ऐप को यूज कर सकते हैं, इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो इसके ये दोनों फीचर बहुत अमेजिंग है। उसके अलावा बात कर लेते हैं व्हाट्सएप बीटा क्या होता है। तो व्हाट्सएप जो है अपने जो बीटा यूजर को सबसे पहले जो भी न्यू फीचर आता है तो बीटा यूजर को देता है एज अ टेस्ट, टेस्ट के लिए वो उन्हें देता है कि उनका ये फीचर काम करेगा, उनका फीचर ये आगे चलेगा या नहीं। उसके बाद दूसरे व्हाट्सएप यूजर को देता है। तो व्हाट्सएप बीटा होता क्या है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ व्हाट्सएप, ठीक है। तो व्हाट्सएप हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, जैसे व्हाट्सएप हम यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप आ चुका है,
और यहाँ पे मेरे पास तो अपडेट का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे आपके पास नीचे ऑप्शन है यू आर अ बीटा टेस्टर फॉर दिस ऐप ओसम, ठीक है। तो ये बीटा टेस्टर होता है, यहाँ पे देखते हैं मैं बीटा टेस्टर हूँ। अगर आप बीटा टेस्टर नहीं है तो आप अपने व्हाट्सएप के अंदर आएंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा यस आई एम का, यू आर अ बीटा टेस्टर, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन का ऑप्शन होगा, यहाँ पे मेरे पास है लीव का, आपके पास होगा यस आई एम का, आपने वहां पे क्लिक करके 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपको बीटा टेस्टर कर दिया जाएगा। यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे दिया जा रहा है यू आर अ बीटा टेस्टर फॉर दिस ऐप ओसम, तो इस तरह का आपको ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे भी आपके पास बीटा लिखा आ जाएगा। तो इस तरह जो है जब आप इस फीचर को यूज करेंगे तो इसमें सबसे पहले जो भी अपडेट आएगी इसी व्हाट्सएप के अंदर आती है और उसके अलावा जो है बाकी में बाद में आती है, और जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वो भी जस्ट इन्हीं बीटा वर्जन में ही यूज होगी। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।